पाकिस्तान में बेशक रातों रात सरकार बदल गई हो, लेकिन पाकिस्तान की औकात और छवि इतने सालों में नहीं बदली है, वो वही की वही है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद समर्थक देश ही है। अमेरिका ने पाकिस्तान की पहले से करोड़ों की फंडिंग पर रोक लगाई हुई है। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी सिर्फ 9 अरब डॉलर ही बचे हैं। 14 बार पाकिस्तान IMF से कर्ज भी ले चुका है और अब चीन से कर्ज ले रहा है। चीन धीरे धीरे पाकिस्तान के बंदरगाह पर कब्जा कर रहा है, लेकिन फिर भी आतंक समर्थक होने की वजह से FATF ने भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इस बीच बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इमरान खान के शपथ लेने से पहले ही अमेरिका का पाकिस्तान पर कहर टूट पड़ा है। इमरान खान के तो जैसे सपने ही टूट गए हों। अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा पर अमेरिका पिछले 6 महीने से ड्रोन से घातक हमले तो कर ही रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान को दाने दाने का मोहताज करने के लिए अमेरिका ने बड़ा जबरदस्त कूटनीतिक हमला भी कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान की शपथ बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को कड़ी चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान को एक भी डॉलर देने की जरूरत ना करे। विदेश मंत्री माइक ने सोमवार को CNBC को दिए एक इंटरव्यू में IMF को चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तान को राहत पैकेज देने की गलती ना करे। माइक ने कहा है कि IMF जो भी करेगा उस पर उसकी नजर बनी हुई है। तो वहीं अब पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े फंड की जरूरत है, क्योंकि उस पर चीन और विश्व बैंक का बड़ा कर्ज है। विश्व बैंक और चीन के ऋण की मार से बचने के लिए पाकिस्तान को अगले कुछ माह में 3 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान पहले ही चीन से $5 बिलियन का कर्ज भी ले चुका है। पाकिस्तान के बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $1 बिलियन के कर्ज की और जरूरत होगी। इस बीच IMF ने स्पष्ट किया है कि उसे अभी तक पाकिस्तान से इस तरह का आग्रह नहीं मिला है। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 1980 से IMF के 14 वित्त पोषण कार्यक्रम का लाभ भी ले चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी ज्यादा बदतर हो चली है कि करेंसी क्राइसिस और आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, और कोई भी पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता और अंतर्राष्ट्रीय बैंक कर्ज नहीं देना चाहते। पाकिस्तान के अंदर जो गिने चुने अमीर लोग हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं, और पाकिस्तान का $1 करीब 123 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया है। दरअसल आज पूरी दुनिया को PM मोदी ने पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया है। यही वजह है कि दुनिया भर के संगठनों ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। आज पाकिस्तान दाने दाने और पानी पानी के लिए मोहताज हो रहा है। PM मोदी ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का पानी भी रोक लिया है, जिस वजह से पाकिस्तान में बड़ा जल संकट भी खड़ा हो गया है। अब आतंकवादी देश होने की कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।